हम क्या करते हैं ना, ये भात केरला थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन रोशनी बोल रही है कि फर्स्ट टाइम है, अच्छा नहीं भी हो सकता है, इसलिए वो बोल रही है कि एक ही बनाओ, ठीक है? तो उसको तो पता नहीं कितना अच्छा है ना, इसलिए मैं उसको पहले एक से ही बना के खिलाऊंगी। ओके, आप लोग भी सीखते जाइए, इसको मैं बॉयल करूंगी अब। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रोशनी के घर में रुके हुए हैं। ये है मेरी सबसे प्यारी, सबसे जिगरी दोस्ती। और देखिए ये क्या बोल रही है। और ये इसने मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विद बिस्किट्स दिया है। आज सुबह मेरा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो आज मैं होल डे इसके साथ बिताने वाली हूँ। सो फ्रेंड कीप वॉचिंग मी। योर फ्रेंड्स, आई एम कटिंग दिस दांगोडी। In Assam, we people call it dang bodi, and this is bhat kerala. Okay, in Nepali, it is what? Tane bodi. Oh yeah, this is tane bodi, tane bodi, and this is chatela. Okay, and Roshni is boiling this chana, boiling and tadka lagaying and all. Okay, she is directly cooking that. Then, so what to say? Today, she have invited. Well, two other guests, that is my roommate Romy and Pranadi. They will come after some time, so till that stay tuned, okay? हाँ 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 वही तो, वो अभी हम लोगों का ना फ्रेंड्स ये भात केरला और दांगबोडी काट के रेडी है, और थोड़ा देर में रोशनी कुक करेगी इसको, पर 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 करके भूतेगी मतलब कि सी विल जस्ट फ्राई इट। ओके, सो फ्रेंड्स आई विल एड वन एक्स्ट्रा रेसिपी। The recipe will be bhat kerala pitika. In Assamese, we people used to call it bhat kerala pitika. Okay. Hello, friends. Welcome. Now I am going to prepare the bhat kerala pitika. For that thing, I have to boil all this. Okay. Let me show you. I am going to boil this bhat kerala. For this, I have to just peel off the upper part of the bhat kerala, and this aloo, tomato, everything I will boil. Okay. एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, ये भात केरला थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन रोशनी बोल रही है कि फर्स्ट टाइम है, अच्छा नहीं भी हो सकता है, इसलिए वो बोल रही है कि एक ही बनाओ, ठीक है? तो उसको तो पता नहीं कितना अच्छा है ना, इसलिए मैं उसको पहले एक से ही बना के खिलाऊंगी। ओके, आप लोग भी सीखते जाइए, इसको मैं बॉयल करूँगी अब। चेक भी करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना छुरी ले लिया है, छुरी से मैं इसको देखूँगी, चेक करूँगी आलू पक गया है कि नहीं पक गया। ये आलू पक गया है, टोमेटो भी पक गया है, और ये भात केरला जो है ये भी पक गया है। ओके, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब इसको निकाल के, ये मैंने निकाल लिया है। ओके, इधर पे मेरा ये भी रेडी है, ये भी रेडी है। अब मैं इसको बनाऊंगी, बनाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो कैमरा नहीं पकड़ सकती। मैं रोशनी का हेल्प लूंगी और आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। ओके, आप लोग जल्दी जल्दी सीख लीजिए और घर में बना के खाइए। ये एकदम प्योर आसामीस रेसिपी है। ओके, अब मैंने ये सब रेडी कर लिया है, यहाँ पर मैंने सब रेडी कर लिया है। अब मैं इसको बनाने जाऊँगी। So I'm going to prepare this thing, that is भात केरला पिटिका। You can see, आप लोग देख सकते हैं ये टोमेटो है, मेरे हाथ साथ अच्छे से धो लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने सब रेडी कर लिया है, तो मैं अब इसको मैश करूँगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे मैश करूँगी। ठीक है, मैश करूँगी ऐसे। आप लोग ऐसे ही, क्योंकि जो चोखा व पिटिका होता है ना, उसको ऐसे मैश ही करना पड़ता है। मैश करने से थोड़ा कटिंग कर लेना चाहिए। ओके, ऐसे देखिए। एक्चुअली मैं ना जब बोलती हूँ ना, मुझे को किस लैंग्वेज में बोलूँ जैसा लगता है, क्योंकि मुझे मैं बहुत लैंग्वेज तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं आसाम की हूँ, तो मैं आसामीज भी बोल लेती हूँ, क्योंकि नेपाली भी बोल लेती हूँ, बिकॉज मैं अभी फिलहाल सिक्किम में हूँ, तो मैं सिक्किम में भी, मेरा बहुत साल हो गए इधर पर रहा हुआ, मेरा नेपाली भी अभी बहुत अच्छा है पहले से। तो हिंदी तो अब हमारा नेशनल लैंग्वेज है, वो तो सभी को आता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि हिंदी में बोलने से क्या होता है, सभी को समझ में आ जाएगा। ये हमारा एकदम प्योर नॉर्थ ईस्ट का डिश है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ऐसे मैं इसको मैश कर रही हूँ। ओके,
मुझे इसके लिए थोड़ा स्पून चाहिए होगा, मैं स्पून लेके आती हूँ। मैं इसमें क्या डालूँगी, ये देखिए, ये ब्लैक पेपर है, ये ब्लैक पेपर मैश किया हुआ है, ये देखिए, सॉरी मैश नहीं, इसको ग्राइंड किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे डालूँगी। ओके, ज़्यादा नहीं डालना है, फिर ज़्यादा मतलब वो होगा, क्या बोलते हैं, स्पाइसी होगा। तो इसमें हम लोगों को ये देखिए मस्टर्ड ऑयल भी डालना पड़ेगा, ये तो एकदम इसका खास राज है, ये मस्टर्ड ऑयल ही आपको इधर पे डालना पड़ेगा। ओके, थोड़ा और डाल लेती हूँ, अब ये मस्टर्ड ऑयल भी मैंने डाल लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट, ये देखिए टेस्ट अनुसार डालूँगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करने वाली हूँ, मेरे यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल नींबू अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इधर पे नींबू को स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इधर पे नींबू ऐड करती तो यह और भी डिलीशियस, स्पाइसी और खाना खाने के लिए एकदम परफेक्ट होता, ठीक है। तब भी टोमेटो हम लोगों को थोड़ा वो टेंगी जो फ्लेवर होता है वो देगा, ठीक है। हमारा ये रेडी हो चुका है। ओके माम, माम इज़ रेडी। ओके प्रणति, पुट सम अचार आउट हियर, थोड़ा अचार डाल दीजिए इधर। ओके, अचार मीन्स वो पिटिका, ये पिटिका है, और ये है चना मटर का सूप। अब हम लोग इसमें एकदम तो मज़ा से खाएंगे। ओके, ये आज हम लोगों का एकदम सिंपल रेसिपी है आज। ये इधर पे है घी, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हम लोग इधर पे सब खाने का रेडी है। हम लोग फोर है इधर पे। मैंने आप लोगों को जैसे बोला था तब, प्रेरणा दी, रोमी, रोशनी, हम लोग चार लोग यहाँ पे अब खाना खाने जा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट डाउन योर व्यूज़। टिल देन, बाय बाय, सी यू।